समय आप हड़ताल करोगे? और आप उसका एग्जामिन किया जाएगा उस समय आप करोगे? भाई क्या है, क्या सेंस है, संख्या क्या है, बिहार की क्या आबादी है? आप 4 लाख हो, बिहार के 12 करोड़ लोग हो, सब कुछ आपको दिया जाए और बाकी को क्या दिया जाए, क्या किया जाए? बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाए? और सब चीज के बावजूद एक बात जान लीजिए सभापति महोदय, कोई गलत भी करता है हम कह दिए, लेकिन हम इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मन में नहीं रखते हैं। हमनों से जितना होगा, जितनी राज्य की हैसियत है, हम बढ़ाते रहेंगे, हम लोग मिल करके बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ये काम ठीक नहीं है। अगर आप पूछिए तो कभी जा करके कोर्ट में कितना वकील को ले गए थे? बिहार सरकार है जिसका पैसा आपको चाहिए, हमको कैगो वकील थे और उनके तरफ से कितना वकील थे जी, और कौन कौन वकील थे जी, और कितना फीस लगा था जी, जरा कभी सोचिए। पैसा है तब नहीं इकट्ठा करके इतना किए, कौन नहीं थे? लेकिन खैर यह सब पर हमको कुछ नहीं कहना, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को सोचना चाहिए। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम भला ही करेंगे, लेकिन प्लीज आप अपने छवि को खराब मत करिए। हम टीचर्स के पक्ष में हैं, अगर रहते यहां तो हम तो और बताते क्या क्या लोग एक एक हमसे बात करके किए हैं 2007 में 8 में, कौन कौन काम नहीं किया जी, सब काम कर दिया। ये ठीक है, अगर काम करिएगा तो फिर उनकी इच्छा होगी कि हमको और मिले, हम उसको बुरा नहीं मानते, जरूर मिले, लेकिन भाई समझना चाहिए कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे, लेकिन आप सोच लोगे ऐसा, ये नहीं संभव है। हमारी सहानुभूति है, हम हित में काम करेंगे, लेकिन अगर लोग बच्चों के छात्र छात्राओं के अहित में काम करेंगे तो लोग उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे। मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, हम तो भाई देखेंगे, कोई गलत करेगा तो उस पर जो एक्शन होता है, नियम है, कानून है, अपना हो, लेकिन अदरवाइज हम किसी के हक में ही कुछ काम करेंगे। लेकिन ये तो एक्सपेक्ट करेगा ना, शिक्षक दिवस के अवसर पर हर वर्ष हम करते हैं, बढ़ाइए, बढ़ाया जाएगा जो भी संभव है, अब बढ़ाया जाएगा, पहले आपका कुछ रहेगा तब ना जी। और एक ही काम के लिए है, मैंने अब सड़क उड़क सब बंद कर दिया जाए, बिजली फिजली सब बंद कर दिया जाए, जितना नल का जल है सबको खत्म कर दिया जाए, लोगों की सारी सुविधाओं को बंद कर दिया जाए, और सारा पैसा उठा करके दे दिया जाए, ऐसा कहीं होता है? ये सोच क्या है जो चंद लोग इस तरह का सोच, शिक्षकों के माध्यम से, शिक्षकों से भी अपील करूंगा कि ये सरकार याद कर लेना, जहां से शुरुआत हुई शिक्षा मित्र का 1500 से, और बाद में जिन लोगों को बहाल किया 4000 और 5000 से, आज कहां पहुंचाए, क्यों चिंता करते हो, आगे और पहुंचाएंगे। लेकिन आप कहोगे कि जो सरकारी शिक्षक उनके बराबर वेतन मिले, अभी तो कुछ है नहीं ये लीगल चीज, क्यों चिल्ला रहे हो, उसका कोई फायदा है, कोई उसका कानूनी रूप है? लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की चीज को लेकर के बच्चे बच्चियों को आप बाधित करते हैं तो ये काम बिल्कुल गलत है, और ये काम कानूनी नहीं है भैया, ये काम समझ लीजिए गैर कानूनी है, याद रखिएगा। हालांकि हम सहानुभूति रखते हैं, मेरी जगह पर कोई दूसरा होता तो रिएक्ट करके बहुत कुछ करता, हम नहीं करते, हमको इतना मन में संतोष रहता, हम सब सुन चुके, वोट भाट भी हम सब देखते हैं, जान लीजिए वो सब की हमको चिंता नहीं, जिसको जो मर्जी आवे वोट दे, लेकिन टीचर का काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, अगर आप नहीं पढ़ा रहे हो तो भाई जो टीचर का बुनियादी दायित्व है उसे अलग हटा रहे हो तो कहां लोगों की सहानुभूति होगी? जरा ज्यादा जो छापते हैं जाकर के सर्वे कर ले,
छात्र छात्राओं का, उनके अभिभावकों से सर्वे कर ले। और हम लोगों को तो भाई पंचायत को या नगर निकायों को यह अधिकार दिया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, यह अधिकार दिया गया पंचायतों को, नगर निकायों को हम लोगों ने दे दिया। बहाली उनके माध्यम से, हम लोग तो तनख्वाह नहीं, हम तो पंचायतों को और नगर निकायों को पंचायती राज संस्थाओं के त्रिस्तरीय, जो पंचायत है वो देखता है प्राइमरी स्कूल प्राथमिक, जो पंचायत समिति है प्रखंड स्तर पर वो देखता है मिडिल स्कूल, जिला परिषद देखता है हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, और जो नगर निकाय में जो कुछ भी है हल स्तर पर वो देखते हैं काम। तो ये तो उनको देखना, हम लोग तो ग्रांट दे रहे हैं, टीचर की बहाली उनके माध्यम से हुई है। आप जरा सोच लीजिए, हम फिर पढ़ के सुना देंगे, जरूरी है देखना। आज जो लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोग्य शिक्षकों का नियोजन कर शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया गया, अरे भाई आपकी नजर में जब अयोग्य शिक्षक थे इनका हम जान बचाए, ये जो माहौल खड़ा कर रहे थे अब आजकल बोल रहे, ये कैसी बात है, ये तो दुतरफा बात है भाई। तो इस तरह की बात है, देखिए हम तो कम ही बोलते हैं लेकिन जब बोलेंगे तो कितना बोलेंगे हमको खुद भी याद रहता है, अब कितना बोलेंगे चलिए, लेकिन सब चीज रखा रहता है, सब चीज संरक्षित सुरक्षित सब मेरे पास रहता है, अगर ज्यादा बोलिएगा हम भी सब चीज करेंगे। ये तो जाने शिक्षा विभाग, वो बताएंगे शिक्षा विभाग के लोग, हमको सब काम नहीं देखना, हम तो बुनियादी चीज बता दी, हम खिलाफ नहीं रहेंगे, हम उनसे एक ही एक्सपेक्ट करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए ठीक से, मांग जो करना है करते रहिए, हमसे जितना संभव होगा हम आपको फायदा देते रहे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बच्चे बच्चियों का पढ़ाई एग्जामिनेशन हो रहा, आप बताइए कल्पना करिएगा, ज्यादातर लोगों के तो बच्चे बच्चियां यहां पढ़ती ही नहीं, आप जरा बताइए कि जिनके बच्चे बच्चियां यहां पढ़ते हैं मिडिल स्कूल, ये इनको जो देना था मैट्रिक की परीक्षा, तो भाई देखिए बहुत गलत चीज है, इसे नहीं करना चाहिए, पता कर लीजिए, सर्वे करवा लीजिए, आम लोगों की राय जान लीजिए। तो इसलिए ये सब बात बोलने का कोई मतलब नहीं है, काहे सब चक्कर में पड़ते हैं, जिनके पक्ष में बोलिएगा न्यूज में छपिएगा लेकिन वोट का फायदा नहीं मिलेगा, ये अच्छी तरह जान लीजिए, वोटवा कुछ नुकसाने करेगा आप लोग जो लोग इतना बोलते रहते हैं, क्योंकि हम लोग सबके हित में काम करते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे आपसे कि भाई नियोजित शिक्षकों के भी हम कोई खिलाफ नहीं है, और खिलाफ रहते तो नियोजित शिक्षक बनाते, इतना काम किया है और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमने काम किया, भाई इसी काम में मदद कीजिए, बाकी तो हम लोगों से जितना होगा हम मदद करते रहेंगे। इसलिए अभी भी आप अपील करेंगे कि बिला वजह आप कुछ लोगों को चुनावों अनुवा लड़ना है तो बुलवाएंगे नहीं, उसे वोटर है तो उसके चलते हम उन लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, भाई हमारे ही खाली पार्टी के है, ये बोल रहे थे हमारे पार्टी के है, सबका सब पार्टी में उसको क्या कीजिएगा, हमारे पास आकर के भी बोलते हैं तो काम नहीं करवाते हैं टीचर का, चाहे हम लोगों की पार्टी में रहे या किसी पार्टी में रहे, हमारा दायित्व है सब एमपी हो सभी एमएलए हो एमएलसी हो किसी दल के हो अपनी समस्या को लेकर के आते हैं, उनको सुनेंगे नहीं। इसलिए अब बहुत ज्यादा और हर तरह काम कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन से लेकर के एक एक काम में अब ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और हम यही अपील करेंगे कि जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है एक बार अपील करेंगे पूरा जरूर पढ़िएगा, उसमें बहुत सारी बातें हैं, और जो माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना भाषण दिया है खिलाफ में जितना बोलना है बोलिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा कि कितना काम हुआ, आप वेरीफाई भी कर लीजिए, अगर हम बोल रहे हैं वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात है पता कर लीजिए, अगर आपको उसके बारे में जानकारी मिले कि ठीक नहीं जानकारी दीजिए, हम जरूर उसमें करेंगे, लेकिन हम किसी चीज को जल्दी नहीं मानते, दो तीन वेरिफिकेशन उसका करते हैं तभी जाकर के हम मानते हैं, इसके बाद जाकर के बदल देखिए, लेकिन हम लोगों के सारे फिगर्स को देखिए चीजों को देखिए, और
हम लोगों ने काम किया है, आगे भी काम करना चाहते हैं, और जो भी लोगों की आकांक्षा इच्छा है उसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं। और ये हम पुनः दोहरा कर कहेंगे, कितना भी काम करेंगे लोगों को उसका फायदा मिलता है फिर उनको लगता है इससे ज्यादा काम हो, यह स्वाभाविक, यह स्वाभाविक नहीं, तो इसलिए हम उसके लिए भी काम करेंगे, तो टीचर के लिए भी काम करेंगे। लेकिन टीचर लोग अपना जो कर्तव्य है स्टूडेंट्स को पढ़ाना उस पर ध्यान दें, बाकी चीज की चिंता उन्ता मत करें। हो सकता है उनके बीच में कुछ नेता हो, अब वो क्या करते होंगे हमको क्या मालूम, लेकिन मैं नेताओं को तो कुछ कह नहीं सकता हूं, उसका तो कोई ठिकाना नहीं है नेतागिरी में क्या रहता है न क्या नहीं रहता है, हम उस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। हालांकि ये विधान परिषद, यहां हम कुछ भी बोले उसका कोई मतलब नहीं, हम चाहें तो बहुत बात कह दें लेकिन हम छोड़ दें, ये कहां किससे क्या लिया नहीं लिया, क्या किया नहीं किया, हम सब चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन हम इतना जरूर करेंगे कि हम शिक्षक को काय के लिए बोले, ना हम सब चीज नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि सब चीज जानने के बावजूद हम तो मदद ही करेंगे। हम जिन टीचर्स को यहाँ बहाल किए हैं, करवाए हैं, हम नहीं बहाल किए, प्रेरित किए हैं कि बहाल हो जाए, और उनके लिए हम लोग उनको तनख्वाह देने के लिए ग्रांट दे रहे हैं, हम लोग उसको और पढ़ाएंगे। इसलिए हम आखिरी बार भी कहेंगे पढ़ाइए, ताकि बिहार के बच्चे बच्चियों में जो ज्ञान का भाव है वो बहुत अद्भुत है, अगर ठीक से पढ़ाइएगा तो आप जानते नहीं हमारे बच्चे बच्चों में कितना ज्ञान का भाव है। और बिहार तो ज्ञान की भूमि, दुनिया भर के लोग यहां नालंदा यूनिवर्सिटी में आए, कहां कहां नहीं आए, कितने यूनिवर्सिटी, तो सब कुछ रहा है दुनिया में बहुत जमाने में, तो वैसी स्थिति में बिहार तो ज्ञान की भूमि रही, तो हम नई पीढ़ी को फिर से ज्ञान की तरफ प्रेरित करके उनको ज्ञानी बनाए, यह हम लोगों की इच्छा है। तो इसमें भाई टीचर्स का सहयोग चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, हमारा भी सहयोग मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, हम सब लोगों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अपना फर्ज निभाएं, यही हम कहना चाहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसे पारित करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हमारी बात सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद, और हमने जो बात कही है भाई